स्वागत है सबका पूनम सिंह रेसिपी में। आज मैं अपनी रेसिपी में सिंपल पनीर का सब्जी बनाकर आपको बताऊंगी। इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं, कुछ बटर नहीं, बस बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो उसके लिए हम ले लिए हैं 400 ग्राम पनीर ले लिए हैं, एक शिमला मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर डालेंगे हम थोड़ा सा, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और एक कप दूध में हम 6 टमाटर और 3 प्याज, 8-10 हरी मिर्च को हम बॉयल कर लिए हैं। इसका हम बारीक पेस्ट बना लेंगे और ये गरम पानी रखे हैं जिसमें हम पनीर को फ्राई करके और डालेंगे ताकि पनीर सॉफ्ट रहे। मिक्सर जार में हम प्याज और टमाटर मिर्च को डाल दिए हैं। इसको हम बिना पानी की सहायता से बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। प्याज और टमाटर का पेस्ट बिल्कुल चिकना हो गया है। अब हम पनीर फ्राई करेंगे। पहले तेल हम गर्म कर लिए हैं, इसमें हम पनीर थोड़ा थोड़ा डालकर फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल हाफ फ्राई करना है हमें, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसको। पनीर हाफ फ्राई हो गया है जैसा हमको चाहिए। हम इसको निकाल लेंगे गर्म पानी में ताकि पनीर सॉफ्ट रहे। इसी में हम और बाकी बचा हुआ पनीर डालकर फ्राई कर लेंगे। सारा पनीर फ्राई करके हम पानी में डाल दिए हैं। अब हम शिमला मिर्च को फ्राई करेंगे। इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे और इसको भी हाफ फ्राई करके हम निकाल लेंगे। इसमें ना हम कोई चीज़ हमको तड़का में नहीं डालना है, जीरा, तेज़पत्ता, मिर्चा कुछ नहीं। जो मिर्चा था हम टमाटर के साथ उसको पीस लिए हैं। शिमला मिर्च भी हाफ फ्राई हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। एक बड़ा चम्मच हम लहसुन लिए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको हम डाल देंगे तेल में और इसको फ्राई कर लेंगे। इसी में हम डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर। हमको लाइट कलर में ही सब्जी का कलर चाहिए, ज़्यादा हल्दी की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं कलर आने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है इसलिए हम कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाल पा रहे हैं। इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, लहसुन पेस्ट भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज और टमाटर का ग्रेवी जो हम पीसे हुए थे मसाला, इसको मीडियम फ्लेम पे हम इसका पानी सूखने तक भूनेंगे जब तक ये किनारे से तेल नहीं रिलीज कर दे। मसाला भून गया है। मसाला फ्राई हो गया है, इसमें अब हम डाल देंगे पनीर जो हम गरम पानी में करके रखे थे। इस
इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जो हम टमाटर और प्याज उबाले थे, दूध वाला पानी उसको भी हम डाल देंगे इसमें। इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च जो हम हाफ फ्राई करके निकाले थे, और इसको 5 मिनट हम तेज आंच पर उबलने तक पकाएंगे। बिल्कुल सिंपल और सादा, गर्मी में खाने लायक, बेहद स्वादिष्ट पनीर की सब्जी बिल्कुल तैयार है। आइए अब हम आप लोग को सर्व करके दिखाते हैं इसको। जीरा राइस के साथ खाइए, पूड़ी पराठा नान के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये पनीर की सब्जी। गैस हम बंद कर दिए, देखिए बिल्कुल ही यम्मी। अगर आपको हमारी ये पनीर की सिंपल रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी में। बाय बाय, टेक केयर। सिंपल स्वादिष्ट रेसिपी।